आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो परीक्षाओं में आपठित गद्यांश पूछे जाते हैं आते हैं लिखने के लिए उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपठित गद्यांश क्या है, ये आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश में आपठित गद्यांश होता क्या है, तो आपठित गद्यांश हल करते समय निम्नांकित बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है मूल अवतरण का बड़ी एकाग्रता से समग्र वाचन कर उसके मूल भाव को समझने का प्रयास कीजिए, वाचन कम से कम 4 बार कीजिए। फिर है मूल भाव से शीर्षक ज्ञात हो जाता है उसे अलग से लिख लीजिए। फिर है प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में सन्निहित होते हैं उनके अनुसार अपनी भाषा में उत्तर दीजिए, उनके अनुसार अपनी भाषा में आपको अपने भाषा में उत्तर देना है। मूल अवतरण का 1/3 में सारांश दीजिए, सारांश ऐसा सुगठित होना चाहिए, जो उसका सारांश होता है वो ऐसा सुगठित होना चाहिए कि उसमें सभी प्रमुख बातें आ जाए। फिर है वर्तनी की भूलों से बचने का प्रयास कीजिए, यानी कम से जो अशुद्धियां नहीं होना चाहिए। शीर्षक सरल संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। यहाँ कुछ गद्यांश दिए गए हैं, तो जो मैं आपको गद्यांश पढ़ाऊंगा उनका गंभीरता पूर्वक आप मनन करना है और समझना है। जैसे ये दिया गया है, ठीक है, नारी सृष्टि का आधार है, नारी के बिना संसार की हर रचना पूर्ण रंगतहीन है, वह मृदु होते हुए भी कठोर है, उसमें पृथ्वी जैसी सहनशीलता, सूर्य जैसा ओज, सागर जैसा गंभीर एक साथ दृष्टिगोचर होता है। नारी के अनेक रूप हैं, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता जहां नारी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। नर और नारी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, इन दोनों के तालमेल से ही जो गृहस्थी का जो रथ है वह सुचारू रूप से गतिमान रहता है। तो यहाँ पर देखिए किस चीज के लिए आया है, नारी है ना, जहां भी दिया है आपने देखो यहाँ ये पूरे जो शब्द हैं नारी। अब आप लोगों को इसी प्रकार परीक्षाओं में आपके पाठों से संबंधित और कुछ अच्छे मतलब जो ये जो अपठित गद्यांश हैं आ सकते हैं, तो आपको उसको बार बार जैसे कहा गया मनन करना है, पहले पढ़िए आप कि उसका क्या हो सकता है। अब इसी के जिन प्रश्न कुछ दिए जा सकते हैं, जैसे पहला दिया उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, सृष्टि का आधार किसे यहाँ पर कहा गया है, फिर है गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहियों में से एक नर है तो दूसरा कौन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो उत्तर आया, जो शीर्षक का उत्तर यहाँ पर आएगा, जैसे कि मैंने टिक लगाए हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या आया है, नारी, तो यहाँ पर क्या आएगा, नारी की महत्ता, क्या आएगा, नारी की महत्ता। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ दिया है संस्कार, संस्कार ही शिक्षा है, शिक्षा इंसान को बनाती है, आज के भौतिक युग में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुख पाना रह गया है, अंग्रेजों ने देश में अपना शासन सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ऐसी शिक्षा को उपयुक्त समझा, यह विचारधारा हमारी मान्यता के विपरीत है। आज की शिक्षा प्रणाली एकांगी है, उसमें व्यवहारिकता का अभाव है तथा श्रम के प्रति निष्ठा नहीं है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक जीवन की प्रधानता थी, यह शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं थी, अतः आज के परिवेश में आवश्यक हो गया है कि इन दोनों दोषों को दूर किया जाए, अन्यथा यह दोष सुरसा के समान हमारे सामाजिक जीवन को निगल जाएगा। ठीक, आप ये हमने पढ़ा, मैंने टिक लगाए हैं, आपको दिख रहा है प्रश्न क्या बनते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, आज के युग में शिक्षा का क्या उद्देश्य है, और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सबसे पहला जो आया इसमें संस्कार की महत्ता, आपको दिख रहा होगा संस्कार दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो संस्कार की महत्ता क्यों, क्योंकि इसमें बताया गया है संस्कार की महत्ता क्या है। फिर है आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य, आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी करके उधर पूर्ति और सुख पाना रह गया है। सारांश, उपयुक्त गद्यांश का सारांश क्या आएगा कि संस्कारों के द्वारा मनुष्य वाली शिक्षा भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली हो गई है,
शासन चलाने के उद्देश्य से प्रारंभ हुई इस शिक्षा में व्यवहारिकता, परिश्रम तथा आध्यात्मिकता का अभाव है और शिक्षा से इन दोषों को दूर करना आवश्यक। शिक्षित व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, शिक्षा होना बहुत जरूरी। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी ही नहीं है, अपितु तो सुख पाना रह गया है आज के आधुनिक में, लेकिन शिक्षित होना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है और शिक्षित होना ही चाहिए। फिर है कर्मठता, ही लक्ष्य की निश्चितता, उत्कृष्ट अभिलाषा एवं सतत प्रयत्न के समन्वित स्वरूप का नाम है। कोरा श्रम साध्य नहीं है तो बालकों के खेलों, पशुओं की दौड़ में भी होता है। सही श्रम तो वही है जो कुछ ठोस परिणाम देता है, मेरी दृष्टि से यही कर्मठता है। जिस देश में कर्मठ जनों का जितना प्रतिशत होता है, वह देश तदनुकूल ही प्रगति अथवा अवनति करता है। अतः शिक्षण का सही उद्देश्य देश में ऐसे कर्मठ जनों का निर्णय एवं उत्तरोत्तर उनका प्रतिशत बढ़ाना है। सही श्रम किसे कहा कहते हैं, शिक्षण का सही उद्देश्य क्या है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश और उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। सही श्रम वह है जो कुछ वांछित परिणाम दे। शिक्षण का सही उद्देश्य कर्तव्य परायण मानवों का निर्माण है। सारांश स्वदेश श्रम ही कर्मठता है, कर्मठ व्यक्तियों से ही देश की प्रगति करता है। अतः सही शिक्षण द्वारा व्यक्ति को कर्मठ बनाना आवश्यक है और शीर्षक है कर्मठता। क्या आएगा, कर्मठता। चलिए फिर है पर्यावरण प्रदूषण परमात्मा कृत नहीं अपितु मानव कृत है, जो उसने प्रगति के नाम पर किए आविष्कारों द्वारा निर्मित किया। आज जलवायु सभी कुछ प्रदूषित हो चुका है, शोर धुआं वांछनीय गैसों का मिश्रण एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह संपूर्ण मानवता के लिए एक खुली चुनौती है और एक समस्या है जो संपूर्ण मानवता के जीवन और मरण से संबंधित है। अतः इसके समक्ष मानवता बोनी बन चुकी है। प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। उपयुक्त गद्यांश का सारांश प्रदूषण किसके कारण निर्मित है और शीर्षक, तो यहाँ पर जो शीर्षक है वह है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। सारांश है पर्यावरण को मानव द्वारा प्रदूषित किया, अगर वहीं उसके बुरे परिणाम भी भुगत रहा है। समस्या इतनी बढ़ गई कि अब इससे निकल पाना अत्यधिक कठिन हो गया, यह समस्या विनाश की ओर ले जा रही है। तीसरा, प्रदूषण मानव के नित आविष्कारों के कारण निर्मित है। फिर है यहां पर ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है, जिस भाषा का साहित्य नहीं होता वह रूपवती भिकारिणी के समान कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। भाषा की शोभा उसकी श्री संपन्नता उसके साहित्य पर निर्भर करती है। साहित्य में जो शक्ति छिपी है तोप तलवार बम गोलों में भी नहीं है। साहित्य सर्वशक्तिमान होता है, तो सक्षम होकर भी जो व्यक्ति ऐसे साहित्य की सेवा और अभिवृत्ति नहीं करता वह आत्महंता, समाजद्रोही और देशद्रोही है। साहित्य समाज का सर्वोत्तम फल है, इसका निर्माण और रसास्वादन करना ही हम सबका परम दायित्व है। उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है, फिर है गद्यांश का सारांश और साहित्य किसे कहते हैं। देखिए उत्तर यहाँ पर शीर्षक आएगा साहित्य। सारांश क्या है, वही भाषा सर्वोत्तम आदर्श मानी जाती है जिसका खुद का साहित्य होता है। तो तलवार बम साहित्य शक्ति के सामने तुक्ष है। साहित्य समाज का सर्वोत्तम मीठा फल है जिसका रसास्वादन जीवनदायक होता है। साहित्य में समाज के लिए संजीवनी व्याप्त होती है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है और साहित्य में ही सबका हित निहित है। समाज को सत्य साहस से भरने की सर्वश्रेष्ठ अपराजय शक्ति साहित्य में होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज से अलग रह कर उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। परिचित तो बहुत होते पर मित्र बहुत कम होते, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण त्याग भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। मित्र एक ऐसा सखा, गुरु तथा माता है जो सबके स्थानों को पूर्ण करता है। प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखे। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, समाज से अलग किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मित्र किस किस के स्थानों की पूर्ति करता है, मित्रता किस बात की आवश्यकता मतलब होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दिया है सच्चा मित्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। एक सच्चा मित्र सखा, गुरु और माता इन सभी के स्थानों की पूर्ति करता है। मित्रता के लिए प्रेम के साथ समर्पण त्याग भावना की बहुत आवश्यकता होती है। फिर यहां पर देखिए, जनसंख्या विस्फोट से सारा देश भयाक्रांत है। जहां भी जाओ
लोगों की अनंत भीड़ दिखाई देती है महानगरों में, तो लोगों का पैदल चलना मुश्किल है। चारों तरफ बेरोजगारी, संकट छाया हुआ, निर्धनता मुंह फैलाए खड़ी है। लोगों का जीवन गिरता जा रहा है, जो स्तर है जीवन का, गरीबी और गरीब होते जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की समस्या आदि संकट गहराता जा रहा है। आबादी और साधनों का संतुलन टूट चुका है। प्रश्न आएंगे, मान लीजिए आते हैं तो, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लोगों का पैदल चलना कहाँ मुश्किल हो गया, चारों तरफ कौन सा संकट छाया हुआ है, सारा देश किससे भयाक्रांत है, संकट और गरीब शब्दों के समानार्थी शब्द देखिए, उपरोक्त गद्यांश का सारांश। शीर्षक जनसंख्या विस्फोट, महानगरों में लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया, चारों तरफ बेरोजगारी का संकट छाया हुआ है, सारा देश जनसंख्या विस्फोट से भयाक्रांत है, और संकट विपत्ति गरीब निर्धन। चलिए इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आपठित गद्यांश जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसके अलावा और भी आपठित गद्यांश आपके पाठों पर आधारित हो सकते हैं, तो आपको मैंने बताया कि इस प्रकार से आएंगे, उसमें उसके उसका जो शीर्षक है, सारांश है, उसका जो मूल भाव है, वो सब रहते हैं उसी गद्यांश के अंदर। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो गद्यांश में ही रहते हैं उसके उत्तर, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ के और इसी प्रकार से उनको बहुत अच्छे से उत्तर उसके लिखना है। धन्यवाद बच्चों।